नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर नागरिकता कानून को लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की ओर से NPR को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, एक बड़ी खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उन सभी पर आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिए हैं। कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इन तीनों लोगों पर मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी है और अगली तारीख 24 जनवरी को है जब इस पर सुनवाई की जाएगी। इन सभी के खिलाफ वकील प्रदीप गुप्ता के द्वारा दर्ज की गई मुकदमे की सुनवाई करते हुए जज की ओर से ये बयान दिया गया है। इसी के साथ प्रदीप गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इन सभी ने नागरिकता कानून को लेकर भड़काऊ भाषण दिए हैं। वहीं पर दूसरी ओर चेन्नई में सोमवार को नागरिकता कानून को लेकर भी पुलिस ने DMK के अध्यक्ष स्टालिन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। हम आपको बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगलवार यानी आज मेरठ पहुंचे थे जहां पर पुलिस ने उनको मेरठ जाने से रोक दिया। दरअसल दोस्तों, मेरठ के अंदर धारा 144 लगा रखी है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रदर्शन को शांत करने के लिए और शांति बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता जैसे तैसे सरकार की कोशिशों को बिगाड़ने के लिए मेरठ जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में रोका गया है और पुलिस ने वापस भेजा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार इन दोनों ने आग्रह किया था कि पार्टी के बाकी नेताओं के साथ वह पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहा है कि धारा 144 लागी है और इसीलिए किसी भी तरह से किसी भी नेता को मेरठ जाना अलाउ नहीं किया जाएगा। और बाद में दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उल्टे पांव दिल्ली लौटना पड़ा है। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों, कैबिनेट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार को अपडेशन को लेकर मंजूरी दे दी गई है। 8500 करोड़ रुपए का बजट मोदी सरकार ने एलोकेट किया है। दरअसल दोस्तों, झारखंड विधानसभा के नतीजे आने के बाद आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार यानी आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट ने इस प्रक्रिया के लिए 8700 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन मंजूरी दी है। वहीं पर NPR के तहत देश भर के नागरिक को डेटाबेस तैयार करने के लिए मंजूरी दी गई है। हम आपको बता दें कि NPR के तहत देश भर के नागरिकों को डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यहां बता देना जरूरी है कि NPR डेटाबेस नागरिकता के प्रमाण के लिए नहीं बल्कि जनता को सुविधा देने के लिए है, ताकि सरकार को पता रहे कि कितने नागरिक देश के अंदर किस तरह की सुविधाएं ले रहे हैं और किस तरह की सुविधाओं की जरूरत और अन्य नागरिकों को है, ताकि सरकार के द्वारा एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। दरअसल दोस्तों, NPR अपडेट करने की प्रक्रिया अगले साल पहले अप्रैल से शुरुआत की जाएगी। असम को छोड़कर सभी राज्यों के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इस अभियान को जारी रखा जाएगा। नए साल यानी 2020 के अंदर अप्रैल के से लेकर सितंबर तक ये चलाया जाएगा। बताया जाता है कि इसका मकसद देश के अंदर सामान्य नागरिकों को सरकार की सुविधाएं पहुंचाना और खासकर राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप जिला के साथ साथ स्थानीय स्तर के लोगों की पूरी सूची तैयार करनी है और इसमें बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा यानी आधार की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के द्वारा इसे NRC से जोड़कर बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, विपक्ष पूरी तरह से भ्रम फैलाता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनके खिलाफ किसी न किसी तरह से अफवाह फैला रहा है। और एक और बड़ी खबर है जहां पर नागरिकता कानून के विरोध में हुए दंगे में मरने वाले लोगों को प्रियंका गांधी की ओर से शहीद बताया गया है। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने राजनीति में इस स्तर पर जाकर बयान दिया है जहां पर उत्तर प्रदेश में दंगा को काबू करते वक्त मारे गए लोगों के समर्थन में प्रियंका गांधी आते हुए और उनको शहीद बता रही हैं। अब जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है कि आखिर वो शहीद है या नहीं है। दरअसल दोस्तों, आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर 55 लाख का आयुष्मान भारत अभियान के तहत लोगों को फायदा पहुंचाया गया जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को केवल 50 लाख वोट झारखंड के अंदर मिले हैं, जिसके बाद अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम है जो 55 लाख लोगों को फायदा पहुंचा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोग प्रधानमंत्री की स्कीम को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि भारत की हर एक जनता के पास सुविधाएं पहुंचे और सरकार सभी के उन्नत के लिए कार्य कर रही है। और यहां पर बड़े स्तर पर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यों से सुविधाएं भी मिली है और यहां तक कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 लाख कार्ड बनाए गए हैं और लोग इसका सुविधा उठा रहे हैं। बावजूद इसके झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50,22,375 वोट मिले हैं, यानी BJP के स्थानीय स्तर के नेताओं ने प्रधानमंत्री के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर पहुंचाने से फेल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपका भी अगर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के द्वारा झारखंड के अंदर एक गलती की गई जिसके कारण BJP को हार का सामना करना पड़ा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और इसी के साथ झारखंड के हार के पीछे आप क्या कुछ कारण मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बेशक झारखंड के अंदर विपक्ष के सभी दलों ने एक साथ मिलकर हरा दिया हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन
कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुपरस्टार हैं, उनके प्लेयर ही खराब थे। दरअसल दोस्तों झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री चुने गए हेमंत सोरेन की ओर से यह बयान आया है, जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री को सुपरस्टार बता रहे हैं और उनको भी पता है कि कैसे झारखंड के अंदर उन्होंने चुनाव जीता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के साथ उनका मुकाबला होता तो लोग कैंडिडेट देखकर वोट नहीं देते हैं बल्कि प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट देते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर ही कई सारी कमी रही है। इन सब मामले को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई बड़े कदम भी उठा सकते हैं, इसके भी संकेत उन्होंने दे दिए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों आईआईटी मद्रास के अंदर जर्मन छात्र को वापस जर्मनी भेजा गया है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा था। दरअसल दोस्तों आईआईटी मद्रास में पढ़ने वाले जर्मनी के छात्र को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अपने देश लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ है जैकब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में पढ़ने वाले जर्मनी के एक छात्र को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। इस छात्र का नाम जैकब लिंडेथल है। जैकब चेन्नई में रहकर आईआईटी मद्रास की पढ़ाई कर रहा था और इस दौरान 16 दिसंबर को आईआईटी परिसर के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले छात्रों के साथ मार्च में शामिल हुआ था। ये छात्र जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिसों के बीच हुए संघर्ष को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहा था और 16 दिसंबर को आईआईटी परिसर के अंदर गजेंद्र सर्किल में हिमालय ब्लॉक तक मार्च निकाला गया और इसमें जर्मनी का एक नागरिक शामिल था जिसको भारत से जाने के लिए कह दिया गया है। दरअसल दोस्तों ये सारी बड़ी खबरें आ रही थी जिसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान जल्द संभव है। तीनों रक्षा बलों की प्लानिंग होगी और बेहतर। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि देश के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा, जो तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे और सेना में किस तरह के बदलाव होने चाहिए और आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन यानी बातचीत आपस में होनी चाहिए, इसको लेकर सब कुछ तय करेगा। यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक महत्वपूर्ण पद होने जा रहा है, जो इन सभी सेना अध्यक्षों के साथ बैठकर सेना के कार्यक्रम की बात करेंगे और किस तरह से सेना को और सभी एडवांस हथियारों की जरूरत है इसका प्रबंध भी किया जाएगा। यानी देश के अंदर सैनिक सुधारों में ये एक बहुत बड़ा सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान जल्द संभव है, इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। हम आपको बता दें कि यह एक बहुत बड़ी और एक अच्छा कदम प्रधानमंत्री की ओर से उठाया गया है जिसका समर्थन सभी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों मारुति के पूर्व CMD जगदीश खट्टर के खिलाफ 110 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के तहत बैंक के अंदर जितने भी धोखाधड़ी के मामले हैं उन सभी का निपटारा एक एक करके किया जा रहा है और ऐसे में जगदीश खट्टर ने बैंकों के अधिकारी के साथ मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी और 110 करोड़ रुपए के लोन वापस नहीं किया था। इस मामले को लेकर सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए गए हैं और CBI ने मामला दर्ज करते हुए 110 करोड़ के धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। ये मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि जगदीश खट्टर ने अपनी कंपनी कॉर्नेशन ऑटो इंडिया के लिए 2009 में 170 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे बैंक ने बाद में सिर्फ 110 करोड़ कर दिया था। बैंक का आरोप है कि जगदीश खट्टर ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है और 110 करोड़ रुपए का लोन वापस नहीं किया है, जिसके बाद 2015 को बैंक ने इस लोन को NPA घोषित कर दिया था और यह कांग्रेस पार्टी के समय में दिया गया एक लोन है, जिसको लेकर CBI की ओर से यह कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दोस्तों ये सारी अपडेट आ रही थी और इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मेरठ जाने से रोका गया है, वापस दिल्ली लौटा दिया गया है। आपको इस सारी अपडेट कैसी लगी और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों नेशनल पीपल्स ऑफ रजिस्टर के बारे में आपका, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से बड़े स्तर पर इसमें कदम उठाए गए हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पहले ही देश की जनता को लेकर बयान दे चुके हैं कि देश की जनता को सुविधाएं पहुंचानी उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री ने जितने भी बड़े कार्यक्रम चलाए हैं उन सभी को एक बार फिर से जमीन स्तर पर ले जाना पड़ेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ में, स्थानीय लोगों को ये समझाने में दिक्कत ना हो कि प्रधानमंत्री उनके लिए कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में सूरत के अंदर एक रैली बुलाई गई। अहमदाबाद के अंदर रैली में शामिल हुए हैं विजय रूपानी। गुजरात के अंदर भी कई जगह CAA के समर्थन में प्रदर्शन को चेतावनी देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब समर्थन में रैलियां निकाली है और साफ तौर पर पूरा देश CAA के साथ खड़ा है। इसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर इसका संदेश देना शुरू कर दिया है। चाहे बेंगलोर के अंदर एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हो या फिर अब अहमदाबाद के अंदर प्रदर्शन करना हो, यानी साफ तौर पर शांति प्रदर्शन के माध्यम से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन दिखाने के लिए पुरजोर तरीके से कार्रवाई जारी है। अगर आप भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी के साथ आपको एक खबर कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।